जयपुर के चोमू से बड़ी खबर, दिन दहाड़े वृद्धा की हत्या के मामले में बड़ी अपडेट। आरोपी बेटी देवी शर्मा को पुलिस पहले कर चुकी गिरफ्तार। सह आरोपी केशव सिंह राठौड़ भी चढ़ा चोमू पुलिस के हत्थे। आरोपी वारदात के बाद फरारी काटने निकल गया था यूपी, पुलिस ने मथुरा से किया आरोपी को गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से लूट के 40,000 रुपए, करीब 1 किलो सोने चांदी के जेवरात, बर्तन किए बरामद। मृतका के बेटे देवेश शर्मा ने रच रखी थी हत्या की पूरी साजिश। पकड़े गए दोनों आरोपी से चोमू पुलिस कर रही पूछताछ। चोमू थाना प्रभारी हेमराज सिंह गुर्जर के नेतृत्व में हुई कार्यवाही। चोमू पुलिस स्पेशल टीम की कार्यवाही में कर रहा अहम योगदान। जयपुर के चोमू थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 4 दिन पहले अशोक विहार में दिन दहाड़े हुई वृद्धा की हत्या के मामले में आरोपी बेटे देवेश शर्मा को फलहसाद गिरफ्तार कर लिया था। घटना के बाद एक अन्य आरोपी मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए स्पेशल टीम का गठन किया था। स्पेशल टीम ने आज कार्यवाही करते हुए यूपी के मथुरा से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना अधिकारी हेमराज सिंह ने बताया कि आरोपी केशव सिंह राठौड़ को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपी से पुलिस पूछताछ करने में जुटी है। आरोपी बेटे देवेश शर्मा के कब्जे से लूटे गए 40,000 रुपए और करीब 1 किलो सोने चांदी के जेवरात बर्तन बरामद किए। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतका सावित्री शर्मा की छोटे बेटे देवेश शर्मा ने पूरी वारदात की योजना बनाई थी। इस वारदात में अपने साथी केशव सिंह राठौड़ को भी शामिल किया गया था। आरोपी बेटे देवेश ने अपने साथी केशव सिंह राठौड़ के साथ मिलकर 29 जुलाई को अपनी मां की हत्या कर दी और वारदात को चोरी और लूट की घटना बनाने के लिए सामान को इधर उधर बिखेर दिया और मौके से फरार हो गए। लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे और आरोपी की एक्टिविटी के आधार पर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी देवेश टूट गया और हत्या का वारदात कबूल कर लिया। फिलहाल पकड़े गए दो आरोपियों से पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है।